हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवेद बलोच। आज हम आपके लिए इंडिया का एक राज्य कर्नाटका लेकर आए हैं। कर्नाटका बहुत ही खूबसूरत है। आप कर्नाटका दिखाना चाहती हैं, उम्मीद करते हैं व्यूअर्स हमारे साथ जब कर्नाटका को देखेंगे तो देखकर हैरान रह जाएंगे कि यार इंडिया के इतने प्यारे प्यारे राज्य हैं। और इंडिया वैसे भी हम जब से इंडिया को एक्सप्लोर करने लगे हैं, आए दिन हम एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आते हैं इंडिया की नई नई वीडियोस के साथ, और हम खुद देखकर हैरान हो जाते हैं कि यार इंडिया इतना डेवलप्ड है। तो आए आज हम आपके साथ देखते हैं इंडिया का एक खूबसूरत राज्य है कर्नाटका, और उसकी फिर टॉप 5 सिटीज देखते हैं ताकि उसको हम मजीद एक्सप्लोर कर सकें। आज जहाँ निकलते हैं, आए पहले मिलकर ये वीडियो देखते हैं और इस पर मजीद बातें करेंगे आपके साथ। दोस्तों, ये है कर्नाटका जो दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। ये मुख्य रूप से अपनी विरासत स्थलों, अपने वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है। वहीं आज के टाइम पे ये भारत के तेजी से उभरते राज्यों में से एक है जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के विकासशील महानगरों का है। तो आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे आबादी की दृष्टि से कर्नाटका राज्य के कुछ टॉप 5 बेस्ट सिटीज के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर है बेलगावी सिटी, जिसे बेलगाम के नाम से भी जाना जाता है। ये नामांकित बेलगाम डिवीजन और बेलगाम जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो 94 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ एक खूबसूरत शहर है। तथा बेलगावी अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट और माइनिंग प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ की अनुमानित जनसंख्या लगभग 7,25,000 निवासियों की है। नंबर 4, मैंगलोर सिटी। ये अरब सागर के तट पर स्थित कर्नाटका राज्य का एक मेजर कमर्शियल सेंटर है, जहां पर हमारे भारत का 9वां सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। वहीं मैंगलोर कर्नाटका राज्य का एकमात्र ऐसा शहर है जो ट्रांसपोर्टेशन के चारों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये शहर रेल, रोड, पोर्ट और एयरपोर्ट से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। वहीं यहां की वर्तमान जनसंख्या तकरीबन 7,24,000 लोगों की है। नंबर 3, हुबली धारवाड़। वैसे तो ये दोनों अलग अलग शहर हैं जिन्हें कर्नाटका राज्य के ट्विन सिटी के रूप में जाना जाता है। जहां हुबली को छोटा मुंबई कहा जाता है, वहीं धारवाड़ को विद्यानगरी, पेड़ा नगरी और विद्याकाशी जैसे और भी कई नामों से जाना जाता है। इन दोनों शहरों की संयुक्त जनसंख्या तकरीबन 11,37,000 लोगों की है। वहीं इन दोनों शहरों के बीच BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। नंबर 2, मैसूर सिटी। ये चामुंडी हिल्स की तलहटी में स्थित एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है, जो आज के समय में अपने टूरिज्म और यहाँ की उभरती आईटी इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, जहाँ पर इंफोसिस और सिस्को जैसी बड़ी कंपनियों की उपस्थिति है। तथा इन सब के अलावा स्वच्छता के मामले में भी मैसूर देश के कुछ चुनिंदा शहरों में से एक है, जहाँ की अनुमानित जनसंख्या लगभग 12,35,000 निवासियों की है। और अब आखिर में जान लेते हैं नंबर 1 के बारे में। तो इस सूची में पहले स्थान पर है बेंगलुरु सिटी, जिसे वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े आईटी हब के तौर पर जाना जाता है, जो कर्नाटक राज्य की राजधानी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ बेहतरीन शहरों में से एक है। वहीं बेंगलुरु की वर्तमान जनसंख्या तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों की है, जो कर्नाटक की कुल GDP में 43.65% का योगदान देता है।
बेंगलोर ही नंबर वन पे बनता है नवीद, आप इस हाँ इसमें तो कोई शक नहीं है, बेंगलुरु ही नंबर वन पे आता है। टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो टॉप 5 सिटीज में आता है। इस पे हम ऑलरेडी एक रिएक्शन वीडियो दे चुके हैं कि समर में टॉप 5 सिटीज ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पे इंडियंस घूमने जाते हैं, तो ये ऑलरेडी हम इस पे रिएक्शन भी दे चुके हैं और बेंगलुरु उनमें से एक है। तो ये कर्नाटका का नंबर वन बनता है क्योंकि आईटी हब भी है और टूरिज्म में बहुत आगे जा रहा है, ये बनता है। मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि कर्नाटक के कौन से शहर को ट्विन सिटी कहा गया है? हाँ, ट्विन सिटी का जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, गुड बाय।